हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद छगन रोड़ा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए जोसेफ एडिसन के फेमस ऐसे रूरल मैनर्स की समरी हिंदी में लेकर आया हूं, जिसकी डिमांड आप में से कुछ फ्रेंड्स ने की थी। स्टार्ट करते हैं ऐसे रूरल मैनर्स बाय जोसेफ एडिसन। ये ऐसे एडिसन के समय गुड मैनर्स के बारे में जो विचार थे उनको बताता है। ये ऐसे हमें ये भी बताता है कि किस तरह शहर के लाइफस्टाइल का गांव के लाइफस्टाइल पर प्रभाव पड़ता है। जिस एज का ये ऐसे है, उस एज में गुड मैनर्स में ज़्यादा ही पोलाइटनेस को दिखाया जाता था, जिसे कि हम ज़्यादा अच्छी तरह से गुड ब्रीडिंग, अच्छे लालन पालन का परिणाम भी कह सकते हैं। एडिसन कहते हैं कि गांव अभी भी शहर से 25 साल पीछे चल रहा है, तो वो ये बात पोलाइटनेस के जो अर्लियर नोशन है उसे कन्फर्म करती है। वास्तव में गांवों में जो ट्रेडिशनल, ये जो सेरिमोनियल प्रीडेंस, इसका मतलब है जो ट्रेडिशनल गुड मैनर्स हैं उनका बड़ा ही एक्सट्रीम में पालन किया जाता है, बड़ी ही अति में पालन किया जाता है, जिसके कारण वो एक पॉजिटिव न्यूसेंस में बदल जाती हैं। यानी कि वो जो है, अब किसी भी तरीके का जो ये एक्सट्रीम हो जाती है ना, जहाँ पे अति हो जाती है, तो फिर वो एक तरह से बंदा उससे चिढ़ने लग जाता है, अनॉय करने लग जाता है। जैसे कि अब यहाँ पे वो एक एग्जांपल देते हैं कि घर में जब कोई गेस्ट आता है तो गेस्ट को बैठाने में, उनको वेट कराने का जो प्रोटोकॉल है वो इतना ज़्यादा सख्त है, जिसके कारण इतना टाइम लगता है कि जो डिनर है ना वो भी ठंडा हो जाता है। तो एडिसन ये कहते हैं कि गांव अभी तक शहरों के एक पोलाइट मैनर से बचे हुए हैं, जो कि जिसे एडिसन फुल ऑफ हॉरर, यानी कि बहुत डरावना मानते हैं, वो है बेशर्म तरीके से बातचीत करना। जैसे कि आपने देखा होगा कि शहरों में जो दिल्ली, जयपुर या जो बड़ी मेट्रोपॉलिटन स्टेट्स के बच्चे हैं ना, वो अपनी बातचीत में गालियां बड़ी फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं, लेकिन जो कि शहर गांवों में या छोटे शहरों के जो बच्चे हैं वो अभी तक अपनी बातों में गालियां यूज नहीं करते हैं। जैसे आप मूवीज में भी देख सकते हैं कि मूवीज में जितने भी हीरोइंस हैं या हीरो हैं वो गालियां यूज करते हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। तो अब ये कहते हैं कि गांवों और शहरों के मैनर के बीच में एक बड़ा फर्क ये है कि शहरों में अभी भी ऐसी बहुत सारी फॉर्मेलिटी और सेरेमनी है जो कि कभी शहरी सिविलाइज्ड लाइफ का एक हिस्सा होती थी, लेकिन शहरों ने तो उसको छोड़ दिया, गांवों में अभी भी उनको ऑब्जर्व किया जाता है, उनका पालन किया जाता है। शहरों में गुड ब्रीडिंग की पहचान आजकल ये है, वो है अनअफेक्टेड बिहेवियर, यानी कि नेचुरल बिहेवियर, ना कि ओवर फॉर्मल कर्टसी। ओवर फॉर्मल कर्टसी का मतलब ये होता है, जैसे नेचुरल बिहेवियर का मतलब जैसे आप नेचुरली बिहेव करते हैं। अब आप एक छोटा सा एग्जांपल से आप इसको और समझ लीजिए कि मान लीजिए ये एक बिहेवियर बन गया है कि अगर कोई आपको हेलो करता है, आपको कोई वेव करता है, तो बदले में आपको भी उसको वेव करना पड़ेगा। अमेरिका में जब हम जाते हैं तो अमेरिका में हर पर्सन ऐसे ही पूछता है, हेलो हाउ आर यू। तो अब वहां पे हम लोग जो है ये जो बातें हम अजनबी लोगों से इंडिया वाले नहीं पूछते हैं, इंडिया वाले ये बातें उन्हीं लोगों से पूछते हैं जिनके वो परिचित होते हैं, जबकि अमेरिका में ये कॉमन है कि वो हर पर्सन से इस तरह की ही बात करते हैं। उसमें कोई उनका कोई ये नहीं है कि जिस पर्सन से वो बात करे वो पर्सन उनका बहुत ज्यादा नजदीकी हो। गांवों में गुड ब्रीडिंग की जो इतना अति तक पालना की जाती है कि वो डिनर जैसे सामाजिक अवसरों पर, तो वो बहुत ज्यादा एक बहुत ज्यादा बड़ी मुसीबत हो जाती है, क्योंकि गांवों में जब भी बैठना होता है तो आदमी को अपने हिसाब, अपने स्टेटस के आधार पर बैठना होता है। गांव के एक आदमी को इतने ज्यादा लोगों के आगे झुक झुक कर प्रणाम करना पड़ता है जितना शहर का एक दरबारी एक हफ्ते में करता है। एडिसन यहाँ पे ये कहते हैं कि जो गांवों के जज हैं उनकी जो वाइफ हैं वो महारानियों से भी ज्यादा बड़ा हंगामा करती हैं। इस बात में कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक सिटिंग प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है तब तक डिनर ही ठंडा हो जाता है।
यहां तक कि वो एक एग्जांपल देते हैं विल विंबल नाम के एक पर्सन का। वो विल विंबल नाम का पर्सन गांवों की एक्स्ट्रावेगेंट फॉर्मेलिटी से बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाता है। हालांकि वो एक सेंसिबल व्यक्ति है जो सारी सुबह फिशिंग करता रहेगा, लेकिन वो रेडी तब तक नहीं होगा जब तक उसे कि स्पेक्टेटर नाम का जो इनका न्यूज़पेपर है वो सर्व नहीं किया जाए। जैसे हमारे यहाँ पर एक रिवाज बन चुका है कि हम सुबह की चाय के साथ में न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। अगर न्यूज़पेपर नहीं आया है तो हम चाय नहीं पीते हैं। पोलाइट कन्वर्सेशन के मामले में भी एक बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। एक वेल ब्रीड व्यक्ति के विचारों में सबसे पहले ये खासियत होती थी कि वो बड़ा सोच विचार कर और बड़े गहन मंथन के बाद ऐसी टर्म्स का प्रयोग नहीं करता था जिनमें हल्की सी भी वल्गैरिटी हो। एक जोकर ही ऐसी वल्गर अशिष्ट भाषा का प्रयोग करता था, लेकिन अब ये बात बदल गई है। अब तो ये बात बिल्कुल ही बदल गई है। अब शहरों के जो फैशनेबल व्यक्ति हैं वो बड़े ही बद्दे और असभ्य तरीके की बातचीत करते हैं। जब तक वो बातचीत में दो चार बीसी एमसी ना बोल लें तब तक उनकी बात खत्म नहीं होती है। वो इतनी सच्चाई, वो कहते हैं सच्चाई इतनी बड़ी है कि उनकी भद्दी बातें सुनकर एक क्लाउन को भी शर्म आ जाए। एडिसन कहते हैं कि हम खुशकिस्मत हैं कि ये जो गुड ब्रीडिंग की ये जो हैबिट है वो अभी तक गांवों में नहीं पहुंची है। अब हम ड्रेस की बात करते हैं तो एडिसन कहते हैं कि गांव वाले ड्रेस के सेंस में अभी भी बहुत पीछे हैं। गांवों में जो औरतें हैं वो अभी भी लंबे लंबे हेड ड्रेस पहनकर एक दूसरे को पीछे करने की कोशिश करती हैं, जबकि ये जो फैशन है ये शहरों से न जाने कब से जा चुका है, क्योंकि शहर तो गांवों से 25 साल एडवांस चलते हैं। तो ऑथर इस मुद्दे पर अगले ऐसे में डिटेल से बात लिखने का वायदा कर इस ऐसे को खत्म करते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप ये मेरा छोटा सा प्रयास आपको एग्जाम में हेल्पफुल होगा। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर करना, लाइक करना ना भूलें। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज इसे कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताएं। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।